अपना फेस कवर कर लो। क्या बे रजू आजकल तुम लोग के पैसे पे बड़ा अय्याशी कर रहा है। अबे वो हमारी प्लानिंग थी लौंडिया पठाने की। तो का हिसाब दे रहा है तुम लोग? नहीं देगा हिसाब। हिसाब नहीं देगा तो उसको पेल पाल के रामपाल नहीं बना देंगे। साले पैसा हम सब तुझको दें और मौज अकेले अकेले ले रहे हो। क्या मौज ली? कुछ मौज नहीं ली भाई, अभी तो बस जाल फेंका है, मछली जाल में फंसना शुरू हुई है। तुम लोग कोई बढ़िया सी जगह का जुगाड़ करो, 2 से 3 दिन में पूरा मामला सेट। अबे वो नेताजी वाला गैराज कब काम आएगा? काफी दिनों से खाली पड़ा है। हाँ हाँ, और आजकल कोई आता भी नहीं है वहां पे। अरे पूजा, तू यहाँ क्या कर रही है? स्कूल क्यों नहीं आई आज? नहीं यार, आई थी बट लेट हो गई थी, तो स्कूल का गेट बंद हो गया था और मुझे अंदर ही नहीं आने दिया, तो मैं बाहर ही वेट करती रही। प्लीज यार, घर में किसी को मत बताना। हाँ हाँ ठीक है, वरना मम्मा बहुत डांटेगी। कोई बात नहीं, चल साथ में चल। चल अच्छा ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। बाय बाय। बहुत बढ़िया जगह ढूंढी है, मजा आ जाएगा। अबे नेताजी बड़े रसिया टाइप के हैं, अक्सर माल वाल लेके यहाँ आते रहते हैं। एक बार बस लौंडिया किसी तरह यहाँ आ जाए, फिर जैसे चाहेंगे वैसे उसको नचाएंगे। राज का हिस्सा तो है कि परसों लड़की को फंसा कर ले आएगा, परसों तक और इंतजार कर लो। मैं ये कह रहा था कल संडे है, कहीं घूमने चलें? नहीं नहीं, कल नहीं आ सकती, कल चाचा आ रहे हैं और मैं कहीं निकल नहीं सकती। अरे प्लीज थोड़ा टाइम निकाल के आ जाओ ना प्लीज। अच्छा ठीक है देखती हूँ। अच्छा बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। बच्चा कैसा है? बैठिए मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। हाँ हाँ, और कहाँ क्रिकेट खेलने? हाँ वहीं जा रहा था। पूजा कहाँ है? वो अपने रूम में। हाँ अरे चाचा आप क्या बात है मेरी चिमेर की, चाचा से मिलने क्यों नहीं आई? नहीं चाचा, वो एग्जाम्स आ रहे ना और थोड़ा सर में भी दर्द था। ओहो मेरा बच्चा, छोटू से दिमाग पे ज्यादा टेंशन मत डाला करो, ओके? कुछ प्रॉब्लम है? नहीं चाचा कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर किसी से प्यार हुआ? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, तो कभी भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो अपने चाचा को जरूर बताना, ओके? Promise? Promise. Good. Good girl. क्या बात है देवर जी, आजकल आपको पूजा की बहुत चिंता होने लगी है? कुछ नहीं भाभी, आजकल वो बहुत गुमसुम रहने लगी है, पता नहीं। काहे इतनी चिंता कर रहे हो? अभी बच्ची है, कल तक पूरे घर में हुड़दंग मचाती रहती थी, अब बड़ी हो रही है तो शांत हो ही जाएगी। हाँ क्या है ना, गंभीरता आ जाती है। नहीं नहीं आज नहीं आ सकती, चाचा आए हुए हैं। यार प्लीज टाइम निकालो ना। अच्छा ठीक है देखती हूँ। टेंशन मत लो, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, बहुत समझदार है पूजा। लेकिन चाचा के जाने का वेट करना पड़ेगा, उनके जाने के बाद ही कुछ हो सकता है। वो मम्मी मैं सानिया के घर जा रही हूँ, कुछ नोट्स लेने हैं। हाँ ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। ओके मम्मी। हेलो। हाँ देवू।
साले की टांगे यहीं तोड़ दूं क्या? नहीं देबू, अभी वो ना समझ है। ऐसा करने से उसके दिमाग पे बहुत असर पड़ेगा, ये उसकी नजर में हीरो बन जाएगा। तू बस इस पे नजर रख, बाकी मैं देखता हूँ। ठीक है, चल। पूजा। हाँ चाचा। छत पे आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी परेशानी हो, मुझसे शेयर जरूर करना। हाँ। तो फिर शेयर क्यों नहीं किया? जी वो क्या शेयर करना है? आज तुम कहीं घूमने गई थी? मैं तुम्हें पार्क में देखा था किसी लड़के के साथ। क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रही हो? मैंने तुम्हें कुछ बोला, कहा? तुम जो कर रही हो कुछ गलत नहीं कर रही हो, तुम्हारी उम्र में सब यही करते हैं। गलत केवल इतना है कि तुम सबसे झूठ बोल के कर रही हो, सबसे छुप के कर रही हो, और इन सब बातों का फायदा इस तरह के लोग उठाते हैं। लेकिन चाचा, वो अच्छा लड़का है। अच्छा, तुम्हें क्या पता है उसके बारे में? यही कि वो IIT की तैयारी कर रहा है और गोमती नगर में रहता है। उसके चाचा आर्मी में और उसके फादर गवर्नमेंट में किसी बड़ी पोस्ट पे हैं। पता है बेटा, मैं ये सब तब से जानता हूँ जब उसने तुम्हें मोबाइल दिया था। वो कोई अच्छा लड़का नहीं है, कोई IIT की तैयारी नहीं कर रहा है। वो एक नंबर का लफंगा लड़का है। वो कहीं गोमती नगर में नहीं रहता है, वो अमीनाबाद के एक झोपड़े में रहता है। क्या हुआ, मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है? प्रूफ दूं क्या? रुको, ये देखो, देखो इसे। क्या आप भी अपने चाचा पे यकीन नहीं करोगी? प्रॉमिस करो कि तुम आज के बाद कभी उस लड़के से नहीं मिलोगी। सॉरी चाचा। कोई बात नहीं, क्या हुआ पूजा, आज तू इतनी सैड क्यों है? बताना, हुआ क्या है? कुछ नहीं यार। पूजा, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? और तुमने फोन क्यों नहीं किया? कितना परेशान हूं मैं, रात भर सोया नहीं हूं। ओ हेलो, रुक सानिया, आप बहुत बुरे हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। एक मिनट, तुमसे किसी ने कुछ कहा और तुमने मान लिया, यही है अपना प्यार? तुम उससे पूछ तो लेती। तुम मुझे 10 मिनट दो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, फिर तुम्हारी मर्जी, चाहो तो चली जाना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। नहीं मैं क्या नहीं, मैं हा? क्या नहीं? पापा प्लीज, पापा आज मैं तुझे बताता हूँ, दुनिया भर में मेरी बदनामी करवाने में लगी है। आज मैं तुझे अच्छे से